अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44। नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। हर साल आज ही के दिन यानी कि 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था। आज से 23 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत के शूरवीरों ने विजय गाथा लिखी थी। भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों के मंसूबों को धूल चटाई और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली यह तारीख जिसे हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे और भारतीय सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। लेकिन जब भारतीय जवानों को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों को खदेड़ दिया और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया। कारगिल युद्ध 1999 में समाप्त हुआ जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले पर्वतीय चौकियों पर नियंत्रण वापस ले लिया। इसलिए कारगिल विजय दिवस भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। कारगिल विजय दिवस देश भर में उन भारतीय नायकों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई संघर्ष और जुड़ाव रहे हैं। मई 1999 में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने कश्मीर और लद्दाख के बीच संबंधों को काटने के लिए नियंत्रण रेखा यानी कि LOC में प्रवेश किया। इस तरह उन्होंने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की और भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने के लिए पर्वत श्रृंखलाओं पर कब्जा कर लिया। भारत सरकार जल्द ही हरकत में आई और ऑपरेशन विजय से जवाब दिया। 2 महीनों तक चला ये युद्ध भारतीय सेना ने 3 चरणों में लड़ा और अंतिम चरण में भारतीय सेना मिशन को पूरा करने में सक्षम हो गई और 26 जुलाई 1999 को सेना ने पाकिस्तान पर भारत की जीत की घोषणा कर दी। भारतीय सेना जीत तो गई लेकिन मरने वालों की संख्या बेहद ज्यादा थी। युद्ध ने भारतीय पक्ष में 527 लोगों की जान ले ली थी और कैप्टन विक्रम बत्रा उन वीर जवानों में से ही एक है जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। और आपको ये भी बता दें कि इस वर्ष कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ है। तो आप सभी को न्यूज 44 की तरफ से कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।